समाजवादी पार्टी में तूफान क्या आया, कल के कर्मठ कार्यकर्ता आज कब्जे को लेकर लड़ने लगे। जिन दफ्तरों से सपा की सियासत चलती थी अब संग्राम की वजह बने हुए हैं। शहर दल शहर अखिलेश और शिवपाल के समर्थक दफ्तरों पर कब्जे को लेकर भिड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कब्जे की जंग, कार्यालय पर कब्जे को लेकर मचा कोहरा, अब शुरू हुआ समर्थकों में संग्राम। दो खेमों में बंटी समाजवादी पार्टी की खाई पड़ती जा रही है। पिता पुत्र की लड़ाई अब जिला इकाई तक पहुंच गई है। शिवपाल और अखिलेश के समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। फतेहपुर में सपा कार्यालय में शिवपाल समर्थकों ने कब्जा कर नारेबाजी की और मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष मानने वालों को ही कार्यालय में प्रवेश देने की बात कही। इसके लिए पार्टी कार्यालय में बकायदा नोटिस भी चस्पा कर दिया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार करने वाला ही समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रवेश कर सकेगा। समाजवादी पार्टी में माननीय नेता जी ही अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शिवपाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय नेता जी के पुत्र हैं। दूसरी तरफ अखिलेश समर्थकों का कहना है कि कार्यालय सपा का है, किसी की जागीर नहीं, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को कार्यालय में जाने का हक है। उनकी बाप की जागीर है क्या? कार्यालय समाजवादी पार्टी का है, वो कहाँ घुसने नहीं देंगे? समाजवादी पार्टी का छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता का वो कार्यालय, किसी की बपौती नहीं। वहीं जिले में समाजवादियों के इस घमासान को देखकर विपक्षी खेमा चटकारे ले रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इससे फायदा उठाने की फिराक में है। जैसा कि आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी का बयान था कि हम किसी के परिवार की फूट से लाभ नहीं लेना चाहते, जनता स्वयं निर्णय करेगी। जनता देख रही है कि जो लोग सत्ता चला रहे हैं किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, जनता के हितों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो आपसी लड़ाई में ही मस्त हैं। ये सुनियोजित है और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत माननीय मुलायम सिंह जी के वो जिस प्रकार से विख्यात है पूरे हर जगह पर उत्तर प्रदेश में कि वो एक बड़ा धोबी पछाड़ राजनीति करते हैं, बड़े दिमागदार हैं, तो इस तरीके से अंतिम समय में वो अखिलेश यादव की छवि चमकाने के लिए एक सुनियोजित पारिवारिक झगड़ा दिखा करके और अखिलेश यादव की छवि को चमकाना चाहिए। निश्चित तौर पर ये भी निश्चित किया जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे पार्टी का नुकसान होगा। ऐसे में आगामी चुनाव को देखते हुए सपा की परेशानियां कम नहीं है। जब कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव में उतरना है और विरोधियों को जवाब देना है तो आपस में लड़ने में लगे हैं। ऐसे में सपा का भविष्य क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फतेहपुर से समाचार प्लस के लिए अवनीश सिंह की रिपोर्ट।